अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम है आपके पास। मेरा नाम है मलिया खान। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे, लेकिन उससे पहले मेरी एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ पर भी जाना है। तो बस वहाँ पर तो बहुत जल्दी, लाइक 20-30 मिनट्स का काम है और ये मैं वहाँ पहुँच गई। जी, तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट तो हो गई थी बहुत जल्दी से ख़त्म, और अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ लंच के लिए। वहाँ पे हमने अपनी और भी बहुत सारी फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है, और मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर पाकिस्तान से आई हुई हैं, उनको भी एक्चुअली लंच पे साथ ले जाना था। और मेरी एक फ्रेंड की अम्मी पाकिस्तान जा रही हैं, तो वो भी हमारे साथ वहाँ पर होंगी। जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो अच्छे दोस्त मिल जाना बहुत किस्मत की बात है। अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं तो आपको फ्रेंड्स भी लाइक अ फैमिली होते हैं। आपको अपनी फैमिली की कमी तो महसूस होती है, बट एटलीस्ट आपके साथ कोई अपने जुड़ जाते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो आपके दुख में और आपके सुख में आपके साथ है। बहुत अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिली हैं हमेशा। तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये एक हलाल रेस्टोरेंट है, और बफ़े इनका लंच और बफ़े डिनर होता है यहाँ पे। और बस अभी अंदर जाके मैं आपको पूरा इनका मेन्यू दिखाऊंगी, और आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो चलें अब देखते हैं हिबाची, रॉयल हिबाची ग्रिल एंड बफ़े। जी, तो हम अब अंदर पहुँच गए हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं एक्चुअली इस ब्रांच में पहली बार आई हूँ। मैं दूसरी हिबाची की ब्रांच, जहाँ पे लाइव कुकिंग होती है, लाइव कुकिंग यहाँ पर भी होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा था। इवन यहाँ पर पार्टी रूम्स भी थे, सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा था, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा। चलें अब फूड मेन्यू जो है।
जो तो मुझे बता रहे हो। How's the food? Extremely good. Thank you, Madiha. You're very welcome. मैंने नहीं पकाया by the way. हिबाची ग्रिल की जो स्पेशलिटी है वो है इनकी लाइव कुकिंग। ये लोग आपके सामने सब कुछ कुक करते हैं। हर तरह का मीट जो है वो रॉ इनके पास होता है, जिसमें श्रिम्प्स होते हैं, क्रैब्स होता है, चिकन होता है और बीफ होता है, बीफ स्टेक्स होते हैं यूजली। आप अपनी प्लेट में जो ऐड करवाना चाहें, इवन आप सब चीज़ें भी ऐड करवा सकते हैं। तो ये आपको उसी वक्त आपके सामने कुक करके और आपकी अच्छी सी प्लेट बना के आपको देते हैं। तो शायद लोग इसी चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं यहाँ पर। ऑल्दो इनका बफे भी बहुत शानदार था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लाइक सैलड्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और डिज़र्ट्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, हर चीज़ इतनी ज़्यादा, फ्राइड फूड इतना ज़्यादा था, हर तरह की डिश थी कि मतलब समटाइम आप इतना खा भी नहीं सकते। चलिए जी, मेरी बाकी फ्रेंड्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अब आप इन्जॉय करें। जी तो हमारी यहाँ पर लंच पार्टी हो गई है ख़त्म और अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और तब तक मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।